बॉलीवुड की हर खबर के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन और जुड़े रहिए व्हाट्सअप बॉलीवुड के साथ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू व्हाट्सअप बॉलीवुड। करण जौहर ने फिलहाल अपने महत्वाकांक्षी पीरियड ड्रामा तख्त को पोस्टपोन कर लोगों के टेस्ट को बदलने के लिए एक हल्की फुल्की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म लाने की प्लानिंग की है। फिल्म गली बॉय के बिग सक्सेस के बाद एक बार फिर से रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की जोड़ी के साथ करण जौहर बड़े पर्दे पर धमाका करने जा रहे हैं। वैसे तो फिल्म मई 2021 में ही फ्लोर पर जाने के लिए तैयार थी, यानी कि इस फिल्म की तैयारियां शुरू हो जाती, लेकिन कोविड महामारी के चलते फिल्म के डायरेक्टर जौहर की प्लानिंग पर पानी फिर गया। अब इस रोमांटिक कॉमेडी फिल्म से जुड़ी कई नई जानकारियां सामने आई हैं, तो चलिए हम आपको बताते हैं कैसी होगी रणवीर और आलिया की ये फिल्म। बॉलीवुड हंगामा ने सोर्स के हवाले से लिखा, मेकर्स एक अलग लेकिन रिलेटेबल टाइटल के तलाश में थे और फिर उन्होंने प्रेम कहानी को चुना। फिल्म डेफिनेटली दो पूरी तरह से ऑपोजिट कैरेक्टर्स की लव स्टोरी है। इनमें व्यूअर्स को विंटेज करण जौहर की झलक मिलेगी, जिनकी फिल्में एक समय में सिर्फ खुशियां फैलाने और ऑडियंस को एक फेरी टेल वर्ल्ड में ले जाने के लिए जानी जाती थी। फिल्म के शूटिंग की तैयारियां शुरू करने से पहले क्रू मेंबर्स को वैक्सीन लगवाने का प्रोसेस भी शुरू हो गया है। इस सोर्स ने फिल्म के बारे में और जानकारी देते हुए आगे बताया कि फिल्म पर अभी काम चल रहा है और आइसोलेशन में फिल्म के सेट डिजाइनिंग और बाकी चीजों के बारे में सोचा जा रहा है। फिल्म का म्यूजिक सेटिंग शुरू हो गया है। ये फिल्म एक रोमांटिक फिल्म होगी जिसमें अच्छा म्यूजिक होगा। बता दें कि आलिया भट्ट और रणवीर करण जौहर की फिल्म तख्त में भी नजर आने वाले हैं। हालांकि ये फिल्म फिलहाल के लिए पोस्टपोन कर दी गई है। इस फिल्म में रणवीर और आलिया के अलावा जानी कपूर, करीना कपूर, विकी कौशल, अनिल कपूर और भूमि पेडनेकर जैसे सितारे शामिल हैं। ये फिल्म 2020 के मई में ही शुरू होने वाली थी, लेकिन कोरोना वायरस के चलते इस फिल्म को टाल दिया गया है। आपको बता दें, गली बॉय में जब से रणवीर सिंह और आलिया भट्ट ने एक दूसरे के साथ काम किया, तब से फैंस को उनकी केमिस्ट्री काफी ज्यादा पसंद आई थी। इस फिल्म को करने से पहले दोनों कई एड फिल्म्स में एक साथ नजर आए थे और तभी से फैंस को दोनों को एक बड़े पर्दे पर देखने की एक्साइटमेंट बन गई थी। ऐसे में जब फिल्म गली बॉय आई तो आलिया भट्ट और रणवीर सिंह ने बड़े पर्दे पर धमाका ही कर दिया। दोनों की केमिस्ट्री ना सिर्फ अमेजिंग थी बल्कि परफॉर्मेंस भी दमदार थी। आलिया भट्ट और रणवीर सिंह ने मिलकर जो परफॉर्मेंस दी और उनकी जो केमिस्ट्री बनी, एक बार फिर से फैंस प्रेम कहानी में देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं। क्या आप रणवीर सिंह और आलिया भट्ट को करण जौहर की प्रेम कहानी में देखने के लिए एक्साइटेड हैं? क्या आप उन्हें एक बार फिर साथ फिल्म करते हुए देखना चाहते हैं? कमेंट्स के जरिए हमें जरूर बताइए और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए व्हाट्सअप बॉलीवुड।